पेगासस जासूसी मामले पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं भारत में हर दिन के साथ ये मुद्दा और तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते मोदी सरकार इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन उससे कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। वहीं अब पेगासस बनाने वाली कंपनी एनएसओ की तरफ से मामले को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। आखिर क्या कुछ कहा है एनएसओ ने, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में पेगासस जासूसी का मामला इतना बड़ा बन चुका है कि संसद में इसकी गूंज हर दिन सुनाई दे रही है। इसको लेकर लगातार संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार से मामले की जांच की मांग कर रहा है। वहीं इस बीच इजराइल की पेगासस बनाने वाली साइबर सिक्योरिटी फर्म एनएसओ ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल एनएसओ ने दावा किया है कि उसने दुनिया भर की सरकारों को पेगासस स्पाईवेयर बेचने पर रोक लगा दी है। कंपनी के ऐसा करने की वजह भारत समेत कई देशों में इस स्पाईवेयर के गलत इस्तेमाल को लेकर मचे विवाद को बताया जा रहा है, जिसके बाद कंपनी ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स को ही इजरायली कंपनी की ओर से ये सेवाएं दी जाती रही हैं, लेकिन अब विवाद के बाद उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक एनएसओ ने अपने सरकारी क्लाइंट्स को कंपनी की लिस्ट से ब्लॉक ही कर दिया है। हालांकि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कंपनी ने किन देशों की सरकारों को यह स्पाईवेयर बेचा है और किन पर यह रोक लगाई गई है। वहीं खास बात यह है कि कंपनी की ओर से यह बड़ा फैसला इजराइल की अथॉरिटी की तरफ से एनएसओ के दफ्तर पर जांच के लिए पहुंचने के एक दिन बाद लिया गया है। बता दें कि भारत समेत कई देशों के मीडिया संस्थानों ने एक साझा रिपोर्ट में दावा किया था कि पेगासस का इस्तेमाल कर 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी की गई है, जिसके बाद ये मामला खुलकर पूरी दुनिया के सामने आया था। वहीं जासूसी के शिकार होने वाले लोगों में विपक्षी नेता, पत्रकार, सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी समेत कई लोग शामिल हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।